क्वेश्चन नंबर 37, फैक्टराइज 5x³y² + 10x² y³ + 25xy³। 5x³y² + 10x² y³ + 25xy³। तो इन तीनों ही टर्म में हमें सबसे पहले जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट है ये है 5, 10 और 25, तो इनका HCF जो होगा ये 5। तो एक तो 5 कॉमन है और फिर x तीनों ही टर्म में है, तो x के जो लिस्ट पावर है वो कॉमन लेना है, x के लिस्ट पावर 1 है, तो ये x कॉमन होगा। और y भी तीनों ही टर्म में है और y के लिस्ट पावर 2 है, तो y स्क्वायर कॉमन होगा। और z तीनों ही टर्म में है नहीं, तो z नहीं कॉमन हो सक होगा। तो फर्स्ट वाले टर्म में हमने 5xy² कॉमन लिया है, तो ये होगा x क्यू दिया हुआ, एक्स क्यू से हमने x कॉमन लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा और y स्क्वायर कॉमन है z। और सेकेंड वाले टर्म में 5 का टेबल में 5 × 2 = 10 और एक्स स्क्वायर से हमने x कॉमन लिया है, तो ये x, और y क्यू में से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये y बचेगा। और 25, 5 का टेबल में 5 × 5 = 25 होता है, और x तो, और y क्यू में से y स्क्वायर कॉमन लेने से ये y बचेगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Thank you.